अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। In the first lecture, we had studied the principle of Galilean relativity, and now we will see that whether the principle of Galilean relativity also applies to electricity, magnetism, and optics. Okay, so basically, the answer for this question is, as we found from the experiment, the results of the experiments involving electricity, magnetism, they say the result is no. According to, we will see how, why it is no. According to Maxwell, speed of light in free space c is equal to 3×10⁸ meter per second. And physicists in the 1800s, they thought that there is a medium ether. ठीक है, तो ये consider किया जाता था कि medium ether है और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंडेंट है कि इधर आया कि ये मीडियम टुवर्ड्स आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है या अवे फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, सो वी सी हियर द फिजिसिस्ट ऑफ द 1800 सेंचुरी थॉट दैट द लाइट मूव्स थ्रू अ मीडियम कॉल्ड ईथर एंड स्पीड ऑफ लाइट वाज सी ऑन इन स्पेशल our absolute frame, which is some fixed frame that every observer in the universe would agree that it is at rest all the time. Okay, so the Galilean velocity transformation equation was expected to hold for observation of light made by an observer in any frame moving at speed v relative to the absolute ether frame. But in the reality, that is, if light travels along the x-axis and observer moves with velocity v along the x-axis, the observer may use the speed of light to have speed c plus minus v. This is according to Galilean postulate. Okay, ये जो speed of light है उसमें जो effect है velocity का, ठीक है, वो या तो add होगा अगर वो ईथर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर ये सी माइनस वी होगा अगर वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ईथर मूव कर रही है, यानी डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ ऑब्जर्वर एंड लाइट। इसको देखते हैं आगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेफर्ड एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम वुड शो दैट लाइट इज सिमिलर टू अदर क्लासिकल वेव्स एंड न्यूटोनियन आइडिया ऑफ एन एब्सोल्यूट फ्रेम आर ट्रू। अब ये देखना है हमने कि न्यूटोनियन आइडिया जो एब्सोल्यूट फ्रेम का है वो ट्रू है, या स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें कोई वेरिएशन आती है या वो कांस्टेंट रहती है। सो प्रायर टू 1800s एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन लेबोरेटरीज वर नॉट केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस माइनस वी। ठीक है, तो ये भी लिमिटेशन थी कि 1800 में जो एक्सपेरिमेंट्स थे लैब्स में जो कंडक्ट किए गए उनकी लिमिटेशन थी कि वो डिफरेंस ही नहीं मेजर कर सकते थे बिटवीन सी एंड सी प्लस माइनस वी। हाउएवर In 1880, scientists decided to use the Earth as a moving frame and try to detect this small change in speed of light. ठीक है, तो इस केस में उन्होंने क्या किया? Observer fixed on Earth stationary while the absolute ether frame containing the medium for light propagation moves past them with speed v. ठीक है, तो ether जो है वो speed v के साथ move कर रहा था, Earth को उन्होंने stationary जो है वो frame consider किया। अब इन सर्कमस्टांसेस में आप ये देख सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू डिटरमिनिंग द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी अगर एक एयरक्राफ्ट जो है वो मूव कर रहा है एयर में, ठीक है, तो आया कि वो विंड के अगेंस्ट मूव कर रहा है या विंड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये उसी के सिमिलर एक प्रॉब्लम है। सो वी स्पीक एन ईथर विंड। मेथड टू डिटेक्ट ईथर विंड्स इन्फ्लुएंस ऑन स्पीड ऑफ लाइट। ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी इस डायरेक्शन में है और ईथर की डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में ये सी प्लस वी बन रहा है, लेकिन जब अपोजिट केस आ जाता है सी और वी की डायरेक्शन तो ये सी माइनस वी बन रहा है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें बाय वेक्टर एडिशन रूल, हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। ये कंपोनेंट इसका c है वेक्टर, ये v वेक्टर है, और ये इस वेक्टर की वैल्यू हमारे पास जो है वो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई और ये उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई। एन अपरेटस इज फिक्स्ड टू द अर्थ टू मेजर द ईथर्स विंड्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इफ v इज द स्पीड ऑफ द ईथर रिलेटिव टू द अर्थ, देन मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, सी प्लस वी होगी, और मिनिमम क्या हो जाएगी, सी माइनस वी हो जाएगी। व्हेन द लाइट इज प्रोपगेटिंग अपविंड, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू जो स्पीड ऑफ लाइट की वो होगी स्केयर रूट ऑफ सी स्केयर माइनस वी स्केयर। इसको बच्चे करेक्ट कर लें, ये है स्केयर रूट ऑफ सी स्केयर माइनस वी स्केयर। ये सी टू नहीं है, ये सी स्केयर है और ये माइनस वी स्केयर है। इसके बाद है कि द प्रिंसिपल ऑफ क्लेरियन रिलेटिविटी रेफर्स ओनली टू द लॉज ऑफ मैकेनिक्स। इफ इट इज अज्यूम दैट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ए पैराडॉक्स कंसर्निंग द स्पीड ऑफ लाइट अराइजेस इमीडिएटली, ठीक है। तो एक देखिए तजाद जो है वो आ जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट होगी तो फिर किस तरह से ऑब्जर्वेशन होगी। हकीकत में ऐसा नहीं होता, तो वो देखते हैं हम ये इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया गया है और ये किस तरह डिटेक्ट किया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। अगेन द रिजल्ट इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन टू गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या गैलीलियन पॉस्टुलेट जो है वो कोई भी अपर लिमिट स्पीड पे नहीं लगाता, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से पढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन रिलेटिविटी द स्पीड ऑफ लाइट शुड नॉट बी द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। तो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस जो है उसको मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया गया, ठीक है, उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये पॉस्टुलेट है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या इम्प्लाई करता है। इधर वन, द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, या फिर सेकंड दूसरा क्या हो सकता है कि गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो इनकरेक्ट है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखें एक फर्स्ट केस में, अगर फर्स्ट केस को देखते हैं कि अगर ऐसा है जो कि फर्स्ट केस में बताया गया, देन प्रेफर्ड रेफरेंस फ्रेम मस्ट एग्जिस्ट वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज सी एंड लेस आर मोर इन ऑल अदर फ्रेम अकॉर्डिंग टू ग्रेडियल वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉस्टुलेट। और अगर सेकेंड पॉस्टुलेट देखें तो उस केस में क्या है कि गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो करेक्ट ही नहीं है, ठीक है। देन वी मस्ट अबैंडन द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट टाइम एंड एब्सोल्यूट लेंथ व्हिच आर द बेसिस ऑफ गैलीलियन स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी एब्सोल्यूट टाइम और एब्सोल्यूट लेंथ जो है वो आइडियाज हमें ड्रॉप करने पड़ेंगे, हमें जो आइडिया है वो बनाना पड़ेगा रिलेटिव टाइम और रिलेटिव लेंथ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जो है इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखें एक्सपेरिमेंट जो डिवाइस किया गया है स्पीड की कॉन्स्टेंसी जो है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, या अगर डिफरेंट फ्रेम में उसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की डिफरेंट होती है तो उसको जो है देखें माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के नाम से यहाँ पर कोट किया गया है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट परफॉर्म बाय अल्बर्ट ए माइकलसन इन 1881 repeated under different condition by Albert A. Michelson plus Edward W. Morley. We shall see the outcome of the experiment contradicting the ether hypothesis. We see in apparatus what is in it, the Michelson interferometer. Quickly, we see here that light source is our mirror. This
जो है बीम स्प्लिटर है, ठीक है, एम नॉट बीम को स्प्लिट कर रहा है, हाफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और हाफ जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, मिरर एम वन है और मिरर एम टू है, ठीक है, यहाँ से बीम जो है आपकी रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके वापस डिटेक्टर यानी टेलीस्कोप जो है वहाँ पे आ रही है। अब ये जब डिफरेंट पाथ लेंथ्स कवर करेगी लाइट एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड फॉर एम टू एंड एम वन, तो आपके पास डिटेक्टर में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो लाइट की वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो उसकी कंडीशन जो है वो आपने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आती है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आती है। कंस्ट्रक्टिव में होता है कि जब क्रेस्ट एक वेव का दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ लाइक करता है तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ आ जाए तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। देखिए कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, पाथ लेंथ एल वन शुड बी इक्वल टू एल टू, एम वन एम टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न ए डार्क सर्कल अपीयर्स एट द सेंटर ऑफ द पैटर्न एंड वाइस वर्सा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो वो ब्राइट होगा। व्हेन मिरर एम वन और एम टू इज मूव्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो ये हमें जो फिनोमेना है इंटरफेरेंस का वो नजर आएगा। आर्म टू इज अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मोशन थ्रू स्पेस, द अर्थ मूव थ्रू द ईथर विद स्पीड वी इज इक्विवेलेंट टू द ईथर फ्लोइंग पास्ट द अर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड वी, देयरफॉर दिस ईथर विंड ब्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ मोशन कॉज द स्पीड ऑफ लाइट सी माइनस वी होगी उस केस में एज द लाइट अप्रोचेज एम टू, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी माइनस वी हमने कह दिया है, अर्थ के जो फ्रेम है उसमें मेजर की जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट सी प्लस वी होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी जब सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों तो उस केस में सी प्लस वी और अपोजिट डायरेक्शन में सी माइनस वी। टू रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिकम्बाइन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज परफॉर्म, जिस तरह भी मैंने बताया कि जब ये दोनों वेव्स टेलीस्कोप में डिटेक्ट होंगी तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। अब ये देखें हमारे पास जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये अगर हम इसको रोटेट कर लें 90 डिग्री पे, ठीक है, सारा सेटअप जो है वो इंटरफेरेंस का रोटेट हो जाए 90 डिग्री, तो क्या होना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंज नज़र आना चाहिए, क्योंकि ईथर विंड जो है उसकी भी स्पीड है, ठीक है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सी है हमारे पास, तो इस वजह से हमें चेंज एक नज़र आना चाहिए, ख्वाह ये चेंज माइनर ही है लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में एक चेंज नज़र आना चाहिए। दिस रोटेशन इंटरचेंज द स्पीड ऑफ ईथर विंड बिटवीन द आर्म्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर, द फ्रिंज पैटर्न शुड बी शिफ्टेड ऑन दिस रोटेशन स्लाइटली बट मेजरेबली, यानी चाहे वो थोड़ा ही हो चेंज लेकिन वो मेजरेबल है और वो हमें नजर आना चाहिए, लेकिन हकीकत में देखें क्या हो रहा है, बट नो चेंज वॉज ऑब्जर्व इन इंटरफेस पैटर्न, इंटरफेस पैटर्न जो है उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, तो उससे फिर क्या हम डिड्यूस करते हैं इससे कि एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव जो है आपका इससे जो रिजल्ट हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है, वो ये होगा कि माइकलसन मोल एक्सपेरिमेंट कंट्राडिक्टेड द ईथर हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके अलावा देखें ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कई मतलब रिपीट भी किया गया है कई सालों तक, बट द फेल टू ऑब्जर्व एनी चेंज, लेकिन इस तरह का कोई भी चेंज उनको नहीं मिला। और सेकंड जो रिजल्ट है वो है इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द ईथर फ्रेम, और फाइनली जो आइडिया है ईथर फ्रेम का ईथर मीडियम का, ठीक है, वो रिजेक्ट कर दिया गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है उसकी, और ये किसी भी मीडियम जो है उसको रिक्वायर नहीं करती प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। तो लाइट जो है दिस इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन।
उसके बाद देखें जो कैलकुलेशंस हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में, उसमें इन द इंटरफेरोमीटर सेटअप बोथ पाथ लेंथ्स वर कंसीडर्ड इक्वल एज डिस्कस्ड बिफोर। सबसे पहले देखें द स्पीड ऑफ लाइट अलोंग आर्म टू बिफोर रिफ्लेक्शन जो है वो आपके पास सी माइनस वी है, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जब होगा तो सी प्लस वी हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिफरेंस आना चाहिए सी माइनस वी और सी प्लस वी, ये दो हमारे पास जो हैं वो वेलोसिटीज होंगी। देयरफॉर टाइम फॉर ट्रेवल, वेलोसिटी जो है वो हमें पता है कि लेंथ ओवर टाइम है। सपोज अ पल्स ऑफ लाइट इज कंसीडर्ड एज पार्टिकल अंडर कॉन्स्टेंट स्पीड, उस केस में देखें डेल्टा टी चेंज इन टाइम टूवर्ड एम टू जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ओवर आपके पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, एल ओवर सी माइनस वी आ जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो एल ओवर सी प्लस वी आ जाएगा यहाँ से, ये देखें बिफोर रिफ्लेक्शन सी माइनस वी तो ये सी माइनस वी आ गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सी प्लस वी है तो सी प्लस वी आ गया। सो टोटल टाइम क्या होगा दोनों का सम हो जाएगा एल ओवर सी प्लस वी प्लस एल ओवर सी माइनस वी, इसको अगर कंबाइन करें सिंप्लीफाई करें तो आपके पास टू एल सी ओवर सी स्केयर माइनस वी स्केयर आ जाएगा। यहाँ से अगर सी स्केयर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, देखें सी यहाँ पे न्यूमिरेटर में है जबकि सी स्केयर आप डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो एक सी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और एक सी डिनोमिनेटर में बच जाएगा, ये देखें टू एल ओवर सी हो गया यहाँ, बाकी वैल्यू जो है वो वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर रेज टू पावर माइनस वन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये टाइम हो गया आर्म टू के लिए, और सिमिलरली ट्रेवलिंग अलोंग आर्म वन आपके पास जो है वो टू एल ओवर सी वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर पावर माइनस वन बाय टू बन जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों आर्म्स के लिए आपके पास जो टाइम है उसकी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट है द टाइम डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रिप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रिप में जो डिफरेंस है वो आपने देखना है, यानी डेल्टा टी आर्म टू माइनस डेल्टा टी आर्म वन, ये देखें डायग्राम है, ये आपके पास एम टू है हॉरिजॉन्टल और ये आपके पास एम वन है मिरर, ठीक है, वर्टिकल में, इसमें जो टाइम डिफरेंस है लाइट को ट्रेवल करने में जो टाइम रिक्वायर है, ठीक है, उसको आपने कैलकुलेट करना है। सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रिप आर्म टू एंड वन, डेल्टा टी है आपके पास डेल्टा टी आर्म टू माइनस डेल्टा टी आर्म वन, तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा टी जो है ये देखिए डायग्राम दोबारा, लाइट को जो मूव करने के लिए टाइम चाहिए एम टू तक और एम वन तक, हम उसका डिफरेंस फाइंड करें, तो डिफरेंस जो है वो हमारे पास डेल्टा टी आर्म टू माइनस डेल्टा टी आर्म वन, इसकी वैल्यू जो है आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, डेल्टा टी आर्म टू के लिए आपने फाइंड किया, ये देखें लास्ट स्लाइड पे, ये आपके पास वैल्यू टू एल ओवर सी इंटू वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर रेज टू पावर माइनस वन, और डेल्टा टी आर वन के लिए टू एल ओवर सी वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर पावर माइनस वन बाय टू, इनकी वैल्यूज अगर पुट कर दें डी डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास फैक्टर टू एल ओवर सी इंटू वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर रेज टू पावर माइनस वन माइनस वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर रेज टू पावर माइनस वन बाय टू, ये देखिए इसमें जो फैक्टर है हमारे पास वी स्केयर ओवर सी स्केयर इसकी वैल्यू जो है वो बहुत बहुत कम है, ठीक है, वन से ये वैल्यू बहुत कम है, इस केस में जो यहाँ पे ये पावर है इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें जरूरत होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हम अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो हम फर्स्ट टर्म है सिर्फ वही इसकी जो है वो कंसिडर करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन हो तो बाइनोमियल थ्योरम से आपके पास वन माइनस पावर इंटू
दिस वैल्यू x, ठीक है, 1 माइनस एन एक्स, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और हमारे केस में x जो है वो क्या वैल्यू है, वो आपके पास है v स्केयर ओवर c स्केयर। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, एक यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, पावर नीचे आ जाएगी, प्लस v स्केयर c स्केयर, यहाँ से प्लस माइनस, और ये माइनस, तो प्लस 1 बाई टू v स्केयर ओवर c स्केयर आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, हमारे पास डेल्टा t जो है वो आ जाएगा एल वी स्केयर ओवर सी क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा t जो टाइम है, ठीक है, डिफरेंस, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो दिस टाइम डिफरेंस सजेस्ट दैट बोथ द बीम हैव अ फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स, देयरफॉर अ शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न मस्ट बी डिटेक्टेड in interference pattern when interferometer is rotated through 90 degree, ठीक है, जब आप interferometer को 90 degree पे rotate करेंगे तो ये difference जो है आपको नज़र आना चाहिए, fractional change नज़र आना चाहिए, ठीक है। This difference results in a time difference twice that given by equation 1, ठीक है, तो उससे 2 times जो है ये equation जो 1 हमें दे रही है उससे होना चाहिए। लेकिन हकीकत जो है वो बहुत डिफरेंट है, इस तरह का कोई भी डिफरेंस जो है हमें एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट नहीं होता। यहाँ से देखें जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास डेल्टा डी, देयरफॉर द पाथ डिफरेंस दैट कोरिस्पोंड्स टू दिस डिफरेंस इज पाथ डिफरेंस डेल्टा डी, ठीक है। अब डेल्टा डी किसके इक्वल होगा, यानी वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सी है, इनटू हमारे पास जो डिफरेंस है वो है 2 डेल्टा टी। तो ये अगर हम पुट करें इसमें डेल्टा टी की वैल्यू एल वी स्केयर ओवर सी क्यूब इसमें पुट करें, तो सी एक सी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 एल वी स्केयर ओवर सी स्केयर। सो इन द पैटर्न चेंज इन पाथ length of one wavelength is equal to a shift of one fringe, ठीक है। अब अगर एक wavelength का path difference में फर्क आता है तो हमारे पास जो है shift आना चाहिए fringe में, ठीक है। यानी अगर half होगा तो वैसे ही constructive से destructive interference pattern बन जाएगा, लेकिन अगर full wavelength का फर्क आ जाए path difference में, ठीक है, या path length में, तो हमारे पास ये shift आ जाएगा fringe में। So a shift of one fringe should be there. तो fringe shift किसके इक्वल हो जाएगा, path difference over wavelength. Shift is equal to mathematically इसको हम लिख सकते हैं 2 L V square over lambda C square. तो ये shift की जो है, fringe shift की जो है, ये हमारे पास equation आ जाएगी। So we will take in the experiment. अगर experiment में ये values हम put करके calculate करें, देखिए हमारे पास पाथ लेंथ जो है वो 11 मीटर है। फॉर एग्जांपल ये माइकलसन जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया है उसमें जो लेंथ है वो 11 मीटर, स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन जो है वो 3×10⁴ मीटर पर सेकंड होती, और वेवलेंथ जो हम फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 500 नैनोमीटर है, ठीक है। सिंगल वेवलेंथ जो है हम लाइट की, सपोज लेज़र यूज़ कर रहे हैं या लाइट बीम, विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं, इस रेंज की वेवलेंथ। सो वी एक्सपेक्ट अ फ्रिंज शिफ्ट ऑफ अराउंड 0.44 के करीब हमारे पास जो है शिफ्ट आना चाहिए। बट रियलिटी में देखें आपके पास क्या हो रहा है कि वेयर एज अ ब्रिटिश यूजर माइकलसन मोले जो है वो कितनी पावर रखता था, इवन इट कुड डिटेक्ट शिफ्ट ऑफ 0.01। तो ये उसकी जो है वो कह लें कि लीस्ट काउंट है कि यहाँ तक वो मैयर कर सकता था, लेकिन उसने 0.44 जो है फ्रिंज शिफ्ट ये भी मैयर नहीं की, ठीक है, बट डिटेक्टेड नो शिफ्ट फॉर लाइट। तो इससे ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता आया कि आपकी जो इथर जो है उसकी डायरेक्शन टू इन वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन में है या उसके अगेंस्ट है, ठीक है, या आप डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने डिड्यूस किया।
तो आज के एक्सपेरिमेंट में देखें हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको डिस्कस किया है। हमने देखा है जो गैलीलियन रिलेटिविटी थी वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म या ऑप्टिक्स पे अप्लाई नहीं होती, एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो करते हैं कि उन पर अप्लाई नहीं होती। उसके अलावा जो मीडियम कंसिडर किया जाता था 1800s में ईथर, इस तरह का मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, ये फॉल्स सपोजिशन थी। और 1800s में जो है आपके पास इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी डिवाइस नहीं किए गए थे लैब में कि आप इसको डिटेक्ट कर सकें। तो 1880 में देखें ये एक्सपेरिमेंट आया, और 1880 में, ठीक है, उसमें फिर ये माइनर चेंजेस जो हैं डिटेक्ट करने की काबिलियत थी। और फिर ये माइकलसन जो है मोरले एक्सपेरिमेंट ये डिवाइस किया गया। और अगर हम गैलीलियन पोस्टुलेट को लेते हैं और ईथर की स्पीड को भी कंसिडर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट और ईथर की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में आपके पास सी प्लस वी होना चाहिए, और अगर अगेंस्ट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो सी माइनस वी होना चाहिए। तो ये पॉसिबल जो है रिजल्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गैलीलियन रिलेटिविटी, हालांकि ऐसा कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। सो इस वजह से हमने जो है ईथर का जो कॉन्सेप्ट था उसको ड्रॉप कर दिया कि ईथर जैसा कोई भी मीडियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जो हमारे पास लाइट है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कॉन्स्टेंट है एंड इसकी वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ऑल इनिशियल फ्रेम। तो उसके बाद हमने देखा कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, उसका सेटअप देखा कि सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइट सोर्स है, बीम स्प्लिटर है, आपके पास मिरर्स हैं, M1 है, M2 रिफ्लेक्टर्स हैं, और फिर ये लाइट जो है वापस आके डिटेक्ट होती है टेलीस्कोप के अंदर, और वहाँ पे हमें पैटर्न नजर आते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न की जो कंडीशंस हैं उनको हमने देखा, और पाथ डिफरेंस जो है उसको हमने देखा, फिर उसको हमने मेजर किया, ठीक है, मेजर करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, हमने देखा कि हमारे पास कम से कम जो है वो डिफरेंस जो है 0.44 शिफ्ट फिन शिफ्ट जो है उसमें इतना डिफरेंस आना चाहिए। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो 1880 में डिवाइस किया गया That was capable of detecting up to 0.01 shift. ठीक है, तो इतनी माइनर वैल्यू जो है वो मेजर कर सकता था 0.01 शिफ्ट में, लेकिन उसने 0.44 शिफ्ट जो है वो भी मेजर नहीं की। तो इससे हमने डिड्यूस किया कि there is no shift, ठीक है, no shift was detected for light. Means the velocity of light or the speed of light is constant for all inertial frames. तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं आप लोग टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर की जो वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, स्लाइड जो है वो भी शेयर कर देता हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, जो सीयर आप जो है अटेंडेंस जो है वो रखते जाएं साथ रिकॉर्ड अपने पास,
देखिए मैंने आपके साथ ये लिंक जो है वो 1:28 PM पे शेयर किया हुआ है। सीआर आपका टाइम टेबल भी क्यों चेंज हुआ है? सीआर ने ज्वाइन किया है हमें। आप लोगों ने इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया है? नहीं 2 बजे नहीं, मैंने तो जो लिंक शेयर किया है वो 1:28 PM पे है मेरे पास टाइम। ये देखिए 1:28 PM 1:25 पे तो हमारा लेक्चर था। चले नो प्रॉब्लम, परेशान ना हो, ये लेक्चर सारा आपका रिकॉर्डेड है, ठीक है? ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग इसको देखें और फिर उसके बाद जो है जो भी आपके क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं साथ साथ।
ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वीडियो स्क्रीन में, ठीक है।